कैंसर पेशेंट, जब मैं ये शब्द कहता हूं आप किसको पिक्चराइज करते हैं? एक व्यक्ति जिनके बाल झड़ चुके हैं, या कोई अपने सर छुपाने के लिए स्कार्फ या विग पहना हो? आप गलत नहीं हो शख्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसका सबसे बड़ा और कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस। ये इतना कॉमन है कि ये कैंसर पेशेंट की आइडेंटिटी बन चुकी है। कीमोथेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट्स इन सारे साइड इफेक्ट से लड़के आगे बढ़ते हैं, पर जब उनके बाल जब जड़ते हैं उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटता है। तकरीबन 8% पेशेंट्स कीमोथेरेपी को मना करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बाल बचाने हैं। पेशेंट्स की अपनी पहचान और उनका हौसला बनाए रखने के लिए हमारी कोशिश है ईवा स्कैल्पुलिंग सिस्टम। ईवा स्कैल्पुलिंग सिस्टम से कैंसर पेशेंट्स के बाल जड़ने से बच सकते हैं। वाओ, ये ट्रीटमेंट को कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्कैल्प यानी सिर को एक प्रिसाइज कूलिंग टेक्नोलॉजी से ठंडा किया जाता है, जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये करने से हम उन हेयर फॉलिकल्स को कीमोथेरेपी से बचा सकते हैं। हेलो शख्स, मेरा नाम रघुवीर है। मैं स्टेमटेक मेडिकल डिवाइसेस का फाउंडर हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और IIM रांची का 2012 एलुमनाई हूँ। आज कीमोथेरेपी के द्वारा हुए हेयर लॉस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो वेल रिसर्च्ड है, जो ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी है, वो है स्कैल्प पुलिंग थेरेपी। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। शायद इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी है जो ये डिवाइस बना पाए हैं, उसमें से हम तीसरे हैं। ये सिस्टम हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्स ये ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करती है। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 12 हॉस्पिटल अक्रॉस 5 स्टेट्स और 1000 से भी ज़्यादा सेशंस इस डिवाइस के जरिए कंडक्ट किया है। मेरा विजन ये है कि आगे जाकर जब हम कभी भी कैंसर पेशेंट के बारे में सोचें तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिनके सर पर बाल हो और कैंसर से लड़ने की एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो। आज मेरी आस्क है 30 लाख फॉर 1.2% इक्विटी इन माई कंपनी। चलिए शख्स, कैंसर पेशेंट्स की पहचान को बदलते हैं। तो रघुवीर, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थोड़ा ये बताइए, ये प्रॉब्लम से आप इतना पैशनेट कैसे हैं? आप थोड़ा उस बारे में बताइए। सो माय आंट, शी वाज अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर बैक इन 2018। सॉरी, आई स्टिल रिमेम्बर, लाइक उनके बाल पूरे बिगड़ गए थे एंड शी हैड कवर्ड हर हेयर विद अ सारी एंड शी वाजंट इवन, वो पलटने के लिए भी मना कर रही थी देखने के लिए। एंड दैट बहुत गहरी तरह से इम्पैक्ट किया है एंड इट्स ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड। मैं पिछले 8 साल से कैंसर के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट से बात किया है। इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बट अ डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिससे डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। एज अ मैटर, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ना कुछ लोगों का। वैसे कई लोग अपने स्किन में कॉन्फिडेंट भी हैं। तो रघुवीर, ये बताइए कि आपके पर्सनल बैकग्राउंड क्या है? सो आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैंने इंजीनियरिंग किया है वासवी कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एंड इन 2012 मैंने फाइजर में काम चालू किया है। 3 साल के बाद मैंने रोज कंपनी ज्वाइन किया है। वहाँ पर मैंने ब्रेस्ट कैंसर मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए ज्वाइन किया। एंड ऑफ 2017 मैंने रोज में नौकरी छोड़ी और मैंने डिग्नाइट कैंसर केयर स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 ईयर्स आई शट इट ऑफ। ठीक है, वो खत्म हो गया बिजनेस। ये वाला कब शुरू हुआ था? ये वाला 2020 में स्टार्ट किया है मैंने। क्या करता है ये? Can I quickly, with your permission, do a demo? Yes. ये सिस्टम 2 beds के बीच में रख सकता है और दोनों पेशेंट्स को एक ही बार देखे, इट कैन प्रोवाइड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फीमेल, पेशेंट एज ग्रुप, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर स्कैल्प कूलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्री इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन एंड पोस्ट इन्फ्यूजन। यानी इसे कीमोथेरेपी के पहले दिया जाता है 30 मिनट्स तक। कीमोथेरेपी के दौरान अज्यूम 1 आवर इज द इन्फ्यूजन ड्यूरेशन और पोस्ट इन्फ्यूजन सेलेक्ट 1 आवर। नाउ द मशीन इज रेडी टू स्टार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मशीन जो है मोबाइल कूलिंग यूनिट, ओके, और हमारा दूसरा पार्ट है ये कूल कैप।
द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर स्कैल्प कूलिंग इज द एंटायर स्कैल्प रीजन जो होता है उस सब रीजन को कूल करना होता है जहां पर हेयरलाइन हो. तो ये जो कैप है इट इज inspired from a lotus design. It's extremely flexible. Like as you can see, I can wrap it in the palm of my hand. Yeah. तो इसका हम देखते हैं डेमो कैसा है. अगर आप में से कोई आके महसूस करना चाहता है इसका कूलिंग कैसा होता है, प्लीज. So I'm going to start it. जी. जल लग रहा है. This is a cooler. It's very cold. It is. बहुत ठंड है. और ये आपको स्कैल्प पे रखना पड़ता है. Yes. ये तो वो जो हम फ्रीजर में रखते हैं ना, जेल पैक्स. जेल पैक वही है. नहीं, पर ये लोग सिर पे कितना देर रखना पड़ता है? 3 घंटे से 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन. लगा के दिखाइए. यस. नाउ अगर बड़ा साइज हेड है तो इट विल अकोमोडेट अकॉर्डिंगली. द सेकंड स्टेप इज द इंसुलेशन कैप, क्योंकि ये फर्स्ट कैप कॉन्टैक्ट देता है, सेकंड कैप will give the exact pressure that is required. ये medically certified है कि आप इतना ठंड? It is registered with CDSC. और दो yes, companies भी yes. है ना, आपने बताया. जी, जी. मैं आपको बोल रही थी ना, वो जो coolant होता है freezer में, तो इसके अंदर क्या अलग है compared to the freezer coolant? इसमें क्या होता है, जो भी body का part हम cool करते हैं वहाँ से blood retract होता है. ये जो coolant है हेयर फॉलिकल यानी स्कैल्प टेम्परेचर को 35 डिग्री से 17 डिग्री तक लेके जाता है. ये करने से जो ब्लड जा रहा है वो तकरीबन 70% ड्रॉप हो जाता है, जिससे कीमोथेरेपी जो जाने वाला है हेयर फॉलिकल्स को वो कम हो जाता है. नाउ अभी हेयर फॉलिकल्स क्यों डैमेज होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से? क्योंकि कीमोथेरेपी इसीलिए डिजाइन गया कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो ट्यूमर होता है उनको आइडेंटिफाई करे और डिस्ट्रॉय करे. और हमें हेयर फॉलिकल जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट पे, वो सेकेंड फास्टेस्ट हेल्दी ग्रोइंग सेल्स होते हैं, तो कीमोथेरेपी उन्हें भी मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय करता है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन दिया जा रहा है वो टाइम पे हम जितना कीमोथेरेपी सर फॉलिकल्स तक पहुँचता है उसको कम करते हैं. स्कैल्प कूलिंग जो पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनका हेयर रीग्रोथ फास्टर और हेल्दियर होता है. एफिकेसी व्हाट परसेंटेज? 50%. ओके. ये बाकी दो कंपेटिटर सेम कर रहे हैं? Underlying technology same. What's different in you? The design of the cap. That is what is patented. Achha, Lotus. That is the main design. But aapne yahan kyun likha hai fir? India's first. As a matter of fact, Asia mein bhi are the only one. Ye to matlab simple technology hai, to why are you only the first one in Asia? Difficult. That is my same question to you. Agar itna aasan hai, abhi tak kisi ne socha kyun nahi? Kyun nahi socha? Aap bhi batao. I feel women related problems are underlooked in research. Ouch. क्योंकि अगर आप देखते हो कि इट्स ट्रू बट नॉट इफ देयर इज पोटेंशियल. बट आप बोल रहे हैं कि मेन नहीं यूज करते हैं. मे बी 10-20% आर मेन. इसका क्या चार्जेस होते हैं? हॉस्पिटल्स चार्ज 1500 से 4000 के बीच पर यूसेज पर सेशन. तो हॉस्पिटल को कितने की पड़ती है मशीन? 13 लाख. और कंपटीटर? 24 लाख. तो आपकी तो ज्यादा सेल हो रही होगी. नेक्स्ट ईयर वी विल बी द लीडर्स इन द मार्केट. मशीन कहां से बनवाई? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग. अब ये बताओ, ये एक बार अगर कोई ले लेगा हॉस्पिटल तो ये वन टाइम सेल होगा ना मेन? उसके बाद ये जो कूल कैप्स है ये तकरीबन 50 घंटे का लाइफ होता है. दिस आर सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज. ये डिवाइस दिन में 4 सेशन कर सकते हैं. 25 वर्किंग डेज माने 100 सेशन पर मंथ. बाकी दो कंपनीज का सेल्स क्या है इंडिया में? इंडिया नहीं, ग्लोबली. द कॉम्पिटिटर जिनका लास्ट ईयर का सेल था तकरीबन $20 million. इंडिया में कितना सेल्स है एनी वन ऑफ दिस प्लेयर्स? पिछले 4 साल में they've sold a little over 50 यूनिट. साल का 3-4 करोड़ का माल बिक रहा है. जी जी. तो यार मार्केट है कि नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है. रघुवीर जी थोड़ा आपका बिजनेस बता दीजिए. दिसंबर लास्ट ईयर हमने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया. इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 वी हैव डन 22.5 लाख्स ऑफ रेवेन्यू. इन द करंट ईयर अप्रैल टू नवंबर वी हैव डन अबाउट 59 लाख्स ऑफ रेवेन्यू. और प्रॉफिट? Unit economics mein we have about 85% gross margin. Last year our total expenses were about 1 CR. Our revenue was 22 lakhs. This year we have done 59 lakhs of revenue at 85 lakhs expenses. Aapka ek mujhe samajh mein nahi aaya, 15% COGS hai. To fir itna high price kyun kiya hai? Aap kam price karke iska volume kyun nahi badhate? The adoption of this technology is price is not the barrier. It is 100% the barrier agar aapko small cities mein jana hai. It's not necessarily. I don't think so. I don't think it's a barrier. Jahan tak main samajhta hu medical devices mein 13 lakh koi badi baat nahi hai. Nahi, but Anupam, this is not curing the disease.
इसी पे बेचिए टीयर टू के लिए लेटर एक डिफरेंट लुकिंग मशीन लॉन्च करके 3-4 लाख में दैट इज अ गुड अप्रोच. आपका पूरे साल का रेवेन्यू क्या बनेगा? 1.2. उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा? We would more or less be in a break-even sort of position. तो मुझे लग रहा है आपकी फंडिंग हो गई या ग्रांट्स मिले हुए हैं तभी आप पैसे लगा रहे हो? Yes. कहाँ से मिली है, कितनी मिली है, कब मिली? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 25 लाख का सीड ग्रांट मिला है. अच्छा. That is in 21 July. उसमें इक्विटी था, वैल्यूएशन कैप 12 करोड़ का. ओके. एंड 22 जुलाई I raised about 75 lakhs from an angel investor. That was 10.9 CR valuation. अरे कम हो गया. अच्छा वो cap था. And 6 months ago, मैंने दूसरा fund उठाया 1.5 CR का. कितने में? At 17 CR valuation. और आज कितनी valuation मांग रहा? 25 crores. एक question है मेरा. Best product doesn't win. हमने देखा है ये, right? इसको कैसे tackle कर रहे हैं आप? Pfizer के जो ex CEO है, Mr. Sridhar, वो अभी मेरे business advisor है. I know Mr. Sridhar very well. Sure. The thing I wanted him on board is, agar healthcare company build karna hai, it's about building trust, it's about building a base, a strong foundation. Uske liye main unko leke aaya. Aaj cash kitna company ke paas? 1.2 CR in the bank. To aap 30 lakh rupees se kya matlab kya hoga aapke yahan? Exactly. The reason why I'm raising only 30 lakhs, kyunki mujhe USFDA approval lena hai. ये जो 30 लाख होगा, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. ये USFDA जो आता है, इट विल ओपन अप मेनी कंट्रीज. एट द सेम टाइम इंडिया में भी हमारा क्रेडिबिलिटी बनेगा. अगर 30 लाख रुपए हमने डाले तो कैसे, क्या एग्जिट कैसे होगी? देखिए, अगर नेक्स्ट ईयर आई शुड टच एटलीस्ट 8 CR रेवेन्यू, आई एम लुकिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 50 करोड़. फिर उसके बाद? मैंने अभी तक उतना ही सोचा है. मैंने बस ये प्लान किया है कि अगले 5 साल में 100 करोड़ का कंपनी करना है. चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 30 लाख, 2%. बट तेरा एक काम है, नमिता को इन करवाना पड़ेगा. नमिता जी, सी आई टेल यू ऑनेस्टली, 50% एफिकेसी पुट मी ऑफ. हम जब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट मेडिकल डिवाइसेस आर 95% एफिकेसी. बट श्रीधर आपके बोर्ड पे, सो दैट गॉट मी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. एंड सेकंड मी, सो ही इज प्रोबेबली सीइंग समथिंग जो मैं अभी देख नहीं पा रही. सो वर्थ टेकिंग अ पंट फॉर 30 लाख. अमन, लेट्स डू इट. 30 लाख फॉर 2%. अमन एंड मी विल कम टुगेदर. आई जस्ट हैव अ स्मॉल काउंटर टू ऑफर. प्लीज मेक इट 1.8%. बाकी लोग के भी कुछ ऑफर्स हैं. उनको नहीं सुनना है ना, उनको वही चाहिए. प्लीज, मैं भी आपको ऑफर देना चाहता हूँ. मैं आपको साथ में जो है, हमारे दो मित्र हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कैंसर केयर की फैसिलिटीज चलाते हैं गुड़गांव में. हम उन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे. आप जानते हैं ना, आपके दो मित्र हैं और मेरे 2000. नहीं, ऑफ कोर्स. और इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि मैं आपको डील दे रहा हूं, आप जिस भी शाक को चूज करें, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो, उसको लेकर के मेरी 100% बेस्ट विशेस रहेंगी. सेल्स पिच क्यों दे रहे हो? तो सुन लो ना जी, आपने तो अपना ऑफर दिया नहीं दोस्त, मेरे को तो दिल ने दो. 30 लाख रुपए, 1.2% इक्विटी ओनरशिप, जो आपका आज था, मैं आपको वो देने के लिए तैयार. चल भाई, बहुत बहुत बढ़िया. गुड ऑफर. क्या बात है रघुवीर जी, आपने तो जादू कर दिया यहाँ पे शार्क्स पर. मेरा क्या प्रॉब्लम है ना यार, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टैप इनटू एग्जिस्टिंग डिमांड, डोंट ट्राई टू क्रिएट डिमांड, तब जाके बड़ी कंपनी बनती है. ग्लोबली आपने बताया, अनुमान लगाया हमने साथ मिलकर, 40-60 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है. तो इंडिया में क्या तो बन जाएगी? आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स. सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट. सो ऑल द बेस्ट. ओके रघुबीर, ग्रेट गट्स. आपने बोला कि इंडिया से आप एक बड़ी मेडिकल डिवाइसेस कंपनी बनाने वाले हैं. एंड आपने एक और चीज बोली थी कि वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है. तो वेरी हैप्पी दैट अ मैन is investing in it. I don't think मैं इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाऊँगी. So I am out. But best of luck. Build a great devices company. अब हम तीन शाक बचे हैं. तेरे में कुछ तो है, तो कुछ कर लेगा. तो मैं, रितेश, नमिता, हम तीनों देखो मिलके एक ऑफर देते हैं. 30 lakhs for 1.8%. अमन, रितेश एंड नमिता जी, डील पक्की. गुड जॉब. गुड जॉब. सुपर सुपर. ग्रेट. अनरियल. अनरियल ब्रो. लाइफ इज लाइक दैट. फाइनली मेडिकल डील में इन्होंने किसी और को लिया, पता है.